नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों आज के टाइम में हम लोग जब भी एयरफोर्स HAL या फिर इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो आपके दिमाग में तेजस का नाम जरूर आता होगा। बहुत लोगों को तो जो इस एरिया में ज्यादा नॉलेज नहीं रखते उनको तो ये तक लगता है कि तेजस पहला एयरक्राफ्ट है जिसको HAL ने बनाया है, पर ये सच नहीं है। HAL इससे पहले भी काफी एयरक्राफ्ट बना चुका है। तेजस एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो HAL ने डेवलप किया है और इसलिए आपको इसका नाम काफी सुनाई दे रहा होगा। और इसमें भी ये पहला कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है जिसको HAL ने डेवलप किया है। इससे पहले HAL ने मारुत बनाया था जिसको 80s में रिटायर कर दिया गया था। HAL मारुत के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के या यू कह लीजिए हिटलर के जो फेमस इंजीनियर थे कार्ट टैंक, उनने इसको डिजाइन किया था। तो एक नाजी द्वारा डिजाइन किया गया था इंडिया का पहला कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। और इसके बाद HAL ने बनाया तेजस मार्क 1 ए और अब मार्क 2 बनाने की बात चल रही है। अगर हम लोग उन एयरक्राफ्ट्स की बात करें जो इस समय इंडियन एयरफोर्स यूज करती है तो ये है उनकी लिस्ट। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा आप लोग को देखने को मिलेगा सुखोई SU-30 जो 272 है हमारी एयरफोर्स के पास। सुखोई एक रशियन एयरक्राफ्ट है जो कि 4+ जनरेशन है और ये हैवी वेट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में आता है। फिर मिराज 2000 है इंडिया के पास, फिर उसके अलावा जैगवार है। इन सब को आने वाले टाइम में रिटायर करना पड़ेगा, इसलिए इंडिया को चाहिए जैसे लाइट वेट कैटेगरी में हम लोग ने अपना तेजस डेवलप किया है, मीडियम वेट कैटेगरी या फिर हैवी वेट कैटेगरी के लिए भी हम लोग को जरूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में नए एयरक्राफ्ट्स की। ऐसे में या तो हम लोग फिर बाहर की किसी कंट्री से अपना एयरक्राफ्ट खरीदे या फिर खुद ही से मीडियम वेट कैटेगरी और हैवी वेट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट को डेवलप करना शुरू करें। दो ऑप्शन है हमारे पास। हालांकि सुखोई 30 का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी होता है नासिक में लाइसेंस एग्रीमेंट के अंडर, लेकिन हाल में जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसकी वजह से इस पे भी असर पड़ा है और इंडिया चाहता था कि उसके कुछ सुखोई 30s को अपग्रेड करे रशिया, लेकिन इस वॉर की वजह से इसमें भी डिले आ रहा है। जिससे पता चलता है कि कैसी भी कंट्रीज हो, चाहे वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो चाहे नॉर्मल रिलेशनशिप वाली हो, आप दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड नहीं रह सकते अपने डिफेंस के लिए। दूसरा, इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत का एम्बिशन है खासकर से अपने डिफेंस के लिए, ये भी हम लोग को पुश करता है कि हम लोग अपने आप से मीडियम और हैवी वेट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी को डेवलप करें। इसीलिए इंडिया का एक प्रोग्राम है जिसको AMCA प्रोग्राम कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के अंडर जो मीडियम वेट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट होते हैं वो डिजाइन और डेवलप करेगा इंडिया, और ये एयरक्राफ्ट 5th और 6th जनरेशन के होंगे। इसको डेवलप करने के बाद इंडिया उन गिनी चुनी कंट्रीज के लिस्ट में आ जाएगा जो कि खुद से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट डिजाइन और डेवलप कर सकती हैं। इस समय केवल चाइना, US और रशिया के पास ये टेक्नोलॉजी है, इंडिया भी बहुत जल्दी इस लिस्ट में आ जाएगा। तो जानेंगे इस वीडियो में AMCA के बारे में, इसमें जो एयरक्राफ्ट बनेंगे हम लोग के उसके बारे में कि क्या क्या खूबियां होंगी, प्लस इसकी क्या जरूरत है इस समय, ये सब आपको जानने को मिलेगा। और भी बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले लाइट वेट और हैवी वेट में डिफरेंस क्या होता है ये जान लेते हैं। इसका कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन एक अंदाजे से कहा जा सकता है कि जो लाइट वेट एयरक्राफ्ट होते हैं ये वो एयरक्राफ्ट होते हैं जिनका एम्प्टी वेट 8 टन से कम हो, यानी कि एयरक्राफ्ट पे जब कुछ भी लोड नहीं किया गया है अभी कोई भी वेपन, तो उसका वेट 8 टन से कम हो, और जो इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट हो वो 17 टन से कम हो। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होता है ये टोटल कितना वेट लेके उड़ सकते हैं। क्या होता है कि एयरक्राफ्ट का वेट होता है, उसके बाद उसपे वेपन्स लोड किए जाते हैं, प्लस उसपे अलग अलग डिवाइस, फ्यूल्स और जो पायलट होता है, इन सब का वेट मिला के 17 टन से कम हो, उसको हम लोग कहते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। हैवी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होता है जिसका एम्प्टी वेट 16 टन से कम हो और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 30 टन से कम हो। और इन लाइट और हैवी एयरक्राफ्ट के बीच में आता है मीडियम वेट एयरक्राफ्ट। दोनों ही तरह के एयरक्राफ्ट की अपनी अपनी खूबियां है, प्लस अपने अपने लिमिटेशंस है। ये नहीं कहा जा सकता हैवी वेट एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो ज्यादा बेटर होते हैं। लाइट वेट एयरक्राफ्ट में ज्यादा आपको मैन्युवरेबिलिटी मिलेगी, एजिलिटी ज्यादा मिलेगी, ये आसानी से डॉच कर पाएगा। स्टेल्थ इसमें ज्यादा होती है, ये आसानी से डिटेक्ट नहीं किए जाते हैं रडार से। बस ऑपरेटिंग कॉस्ट इन एयरक्राफ्ट्स की कम होती है, लेकिन इनका जो नेगेटिव साइड होता है वो ये कि ये ज्यादा देर तक उड़ नहीं सकते, क्योंकि ये लाइट वेट एयरक्राफ्ट होते हैं, इनका जो फ्यूल टैंक होता है वो भी छोटा होता है, इसलिए ये एक बार में ज्यादा फ्यूल कैरी नहीं कर सकते। हालांकि आजकल जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से इस पे भी ओवरकम कर लिया गया है,
एक जनरली बात करें तो ये इनके नेगेटिव साइड होते हैं। प्लस लाइट वेट एयरक्राफ्ट ज्यादा वेपन्स लेके भी नहीं उड़ सकते, इनका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होता है ये कम होता है। और ठीक इनका अपोजिट होता है हैवी वेट एयरक्राफ्ट में, जो लाइट वेट एयरक्राफ्ट के लिमिटेशन है वो हैवी वेट एयरक्राफ्ट का पॉजिटिव साइड है, जो लाइट वेट एयरक्राफ्ट का पॉजिटिव साइन है वो उसके लिए लिमिटेशन है। और AMCA प्रोग्राम के अंदर जो एयरक्राफ्ट बनेंगे वो मीडियम वेट एयरक्राफ्ट होंगे। ये स्पेशली बनाया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए। AMCA एक मल्टी रोल एयर सुपियोरिटी फाइटर जेट होगा। शुरुआत में इसमें फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे, फिर इसको और एडवांस करके सिक्स्थ जनरेशन के भी एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। इसको डिजाइन किया है एरोनॉटिकल्स डेवलपमेंट एजेंसी में, जो कि DRDO के अंदर आती है, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इसको बनाया जाएगा, जिसमें DRDO और HAL के अलावा एक प्राइवेट कंपनी भी होगी। इसको एयर सुप्रीमेसी, ग्राउंड स्ट्राइक, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस यानी कि जिसे सीड ऑपरेशन कहा जाता है, प्लस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इन सब के लिए भी यूज किया जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस केस में मतलब है जो एनिमी के एयरक्राफ्ट हैं उसके रेडार को या उसके कम्युनिकेशन को, रेडियो को जैम कर देना, ये भी किया जा सकेगा AMCA का यूज करके। और सीड ऑपरेशन के बारे में आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो ऐसे समझ लीजिए कि जो जो चीज एनिमी को एयर डिफेंस दे रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देना, चाहे वो जमीन पे लगे उसके रेडार हो, चाहे वो प्राइमरी एयरक्राफ्ट हो जो उसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देते हो। ये डिस्ट्रक्शन जरूरी नहीं है फिजिकली हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का भी यूज करके उसको डिस्ट्रॉय कर देने को सीड ऑपरेशन कहते हैं। इस समय यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2024 तक यह फाइनली बनके तैयार हो जाएगा और फ्लाइट करने के लिए रेडी होगा, और 2030 में इसको मिलिट्री में इंडक्ट कर लिया जाएगा। AMCA काफी स्टेल्थी एयरक्राफ्ट होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है जिसकी वजह से इसको आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकेगा, प्लस इसका जो मटेरियल होगा वो भी एब्जॉर्बेंट होगा ताकि रेडार से जो सिग्नल निकलते हैं उसको वो अब्सॉर्ब कर सके और वो डिटेक्ट नहीं किया जा सके। इसके अलावा इसमें जो वेपन्स होंगे वो इंटरनली फिट होंगे जिसकी वजह से क्रॉस सेक्शन एरिया इसका और कम किया जा सके और इसको और स्टेल्थ बनाया जाए। फिर इसमें एयर कूलेंट एग्जॉस्ट का भी इस्तेमाल होगा जिसकी वजह से थर्मल डिटेक्शन जो होता है वो भी ना हो पाए एयरक्राफ्ट का। देखो होता क्या है कि जो एयरक्राफ्ट होता है उसकी हीट से भी उसको डिटेक्ट कर लेते हैं रेडार्स, तो इस चीज को रोकने के लिए एयर कूलेंट एग्जॉस्ट सिस्टम इसमें लगाया जाएगा। प्लस इसमें इंडियन मेड उत्तम AESA रेडार लगाया जाएगा। AESA रेडार एडवांस रेडार होता है जिसकी अलग खूबियां होती हैं, जैसे कि इनको इलेक्ट्रॉनिकली जैम कर पाना आसान नहीं होता है। ये जो सिग्नल भेजती है वो काफी लार्ज बैंडविड्थ का होता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो रेडार्स होते हैं वो इनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं कर पाते हैं। प्लस ये मल्टी मोड कैपेबिलिटीज को सपोर्ट करता है एयरक्राफ्ट के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे बढ़िया चीज AMCA में होगा कि ये फ्लाई बाय ऑप्टिक्स को सपोर्ट करेगा, यानी इस एयरक्राफ्ट को पायलट भी उड़ा सकता है, प्लस इसको एज अ UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल की तरह भी उड़ाया जा सकता है। प्लस इसमें और भी एक्स्ट्रा सिस्टम्स लगाए गए हैं जैसे कि कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ऑटोमेटिक टेक ऑफ लैंडिंग कैपेबिलिटी सिस्टम और भी ऐसे एडवांस सिस्टम इसमें लगाए गए हैं। ये एयरक्राफ्ट सस्टेन्ड सुपरसोनिक फ्लाइट की कैपेबिलिटीज रखेगा विदाउट यूजिंग ऑफ आफ्टर बर्नर। इसके अलावा 6500 किलो का भार ये लेके 1600 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है, जिसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट पे एक्स्ट्रा ड्रॉप टैंक लगाने की जरूरत पड़ती थी वो लगाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये चीज भी इसको हेल्प करेगी अपना जो स्टेल्थनेस है वो बढ़ाने में। दूसरा, इसमें वेपन्स कौन कौन से लोड किए जाएंगे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स वो इसमें लोड की जाएगी। इसके अलावा सुदर्शन लेजर गाइडेड मिसाइल, अस्त्र मिसाइल्स, ब्रह्मोस एन वर्जन, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेट सिस्टम, प्लस एक 23mm गन भी इसमें अटैच होगी। तो इन सब कैपेबिलिटीज से लेस होगा हमारा जो AMCA एयरक्राफ्ट होगा वो। नाउ सवाल यहाँ एक बहुत बड़ा ये उठता है कि इस समय इंडिया को इसकी जरूरत है या नहीं है, और है तो क्या जरूरत है। तो देखो, लाइट वेट हैवी वेट का जो कैटेगराइजेशन है ये मैंने आपको बता दिया, और ये भी बता दिया कि लाइट वेट एयरक्राफ्ट है इसको इंडिया रिप्लेस करेगा तेजस से। जो मीडियम वेट एयरक्राफ्ट है या फिर हैवी वेट एयरक्राफ्ट है इसके रिप्लेसमेंट के लिए जरूरत थी इंडिया को एक नए एयरक्राफ्ट की, और वो भी इंडिया खुद से बनाएगा AMCA प्रोजेक्ट के अंडर। तो ये एक जरूरत तो ठीक है, लेकिन दूसरा जो कैटेगराइजेशन है जनरेशन के हिसाब से एयरक्राफ्ट का वो भी काफी मैटर करता है। जो एयरक्राफ्ट जितने ज्यादा जनरेशन का होगा उसमें उतनी ज्यादा एडवांस कैपेबिलिटीज होगी, एडवांस फीचर्स होंगे उसके।
चाइना इस समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है इंडिया के डिफेंस के लिए, और चाइना के पास है J-20 जो कि एक फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है। तो अगर हम लोग को अपने रीजन में पावर का जो इक्वेशन है वो मेंटेन करके रखना है और चाइना से अपने आप को सिक्योर रखना है और उसको काउंटर करना है, तो इसके लिए जितने डेडली वेपन्स उसके पास है, जितने खतरनाक हथियार उसके पास है, उतना ही हम लोग के पास भी होना जरूरी है। इसलिए फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट इस समय नीड है इंडियन एयरफोर्स की चाइना को काउंटर करने के लिए। दूसरा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो ये एयरक्राफ्ट रिटायर होंगे तो कोई ना कोई एयरक्राफ्ट तो इंडिया को लेना पड़ेगा उनकी जगह, तो इसके लिए या तो फिर इंडिया इन एयरक्राफ्ट्स को बाहर से परचेस करे और बहुत ज्यादा पैसा भेजे बाहर इंडिया से, या फिर खुद की टेक्नोलॉजी को डेवलप करे और खुद से प्रोडक्शन शुरू करे। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें हम लोग को इंस्टेंट हथियार खरीदने की जरूरत पड़े, तो ऐसे में होगा क्या, हम लोग को डिपेंड रहना पड़ेगा विदेशी कंपनीज पे और उनकी कंट्रीज पे। ऐसे में हो सकता है कि वो ऐसे सिचुएशन का फायदा उठाएं और कोई ऐसी डील रखे हम लोग के सामने जिसको ना चाहते हुए भी हम लोग को मानना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए भी जरूरत है कि हम लोग के पास भी जो कैपेबिलिटीज हैं वो होनी चाहिए एडवांस वेपन्स और डिफेंस इक्विपमेंट्स की। तो ये था गाइस पूरा वीडियो। कई लोग का कहना है कि ये जो AMC एयरक्राफ्ट है ये एक तरह से क्वांटम लीप होगा इंडिया के पास जो टेक्नोलॉजी थी उसमें। बाकी फिर खत्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।